ब्लू वेल गेम यानी मौत के गेम से बढ़ती नौजवानों और छात्रों की रुचि को देखते हुए सिद्धार्थ नगर जिले के एसपी सत्येंद्र कुमार ने एक जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें खुद कप्तान के साथ उनके द्वारा गठित पुलिस टीम स्कूलों में जाकर छात्रों में ब्लू वेल गेम से होने वाले नुकसान व सुसाइड के बारे में बताया। सुनिए क्या कहा एसपी सिद्धार्थ नगर सत्येंद्र कुमार और स्कूल के फादर ने। देखिए, जो ये एक ब्लू वेल गेम जो है, दिस इज बेसिकली गेम तो नहीं कह सकते, उसे ट्रैप जो कि बच्चों में जो सुसाइडल जो टेंडेंसीज हैं उनको डेवलप करके और सुसाइड उसमें लास्ट स्टेज में वो कराते हैं। तो इसी के संबंध में जो है लगातार हम लोग स्कूलों से संपर्क कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ और हमारी फोर्स के जो अधिकारी लोग हैं वो सब भी कर रहे हैं, और बच्चों के साथ बातचीत करके ये कम्युनिकेट करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह का जो ब्लू वेल सो कॉल्ड गेम है उसके ट्रैप में कोई बच्चा तो नहीं फंसा है। अगर उनके इर्द गिर्द कोई ऐसा बच्चा दिखाई देता है जो कि बहुत चुपचाप गुमसुम या इस प्रकार का है, तो तत्काल जो है वो स्कूल प्रबंधन को या अपने जो आसपास के जो उनके टीचर्स हैं उनको वो सूचना दे दें कि सब ये जो बच्चा है इस तरह से है, ताकि जो है हम लोग इस जो ब्लू वेल गेम है इसके कारण जो सुसाइड्स की जो एक टेंडेंसी है, और सुसाइड बहुत सारे लोग बच्चों ने किया भी है, इंडिया में भी काफी ने किया, ताकि इस तरह की चीजों पे रोक लगाया जाए। इसमें जागरूकता हमें सही ढंग से बच्चों को समझाने की जरूरत है। ऐसा कहा जाते तो इसमें आमतौर से इसे बहुत हमें डरने की कोई बात नहीं है, ये सब में बच्चों को निर्देश देने का, सही मार्गदर्शन कराने का ये हमारा फर्ज है। फिर कुछ बच्चे हैं जो ऐसे जो नेटवर्क वगैरह है उसमें ज्यादा अटेंशन देते हैं, और तीसरी जो बात है पेरेंट्स को केयर करना है बच्चों को इस तरह की चीजों से दूर रखने की, ये सब चीजों से हम इस चीज को हम दूर कर सकते हैं और बच्चों में इस तरह की जो डर है उसे हम दूर। उल्लेखनीय है कि दिन पर दिन ब्लू वेल का कहर बढ़ता जा रहा है, इस गेम से कई लोगों ने अपनी जान गवा दी है, जिसके चलते एसपी की यह शुरुआत बेहद ही तारीफ के काबिल है। एसपीएन 9 न्यूज के लिए सिद्धार्थ नगर से धर्मवीर गुप्ता की रिपोर्ट।